हाँ जी, हुण आपां बना रहे हैं सलवार। सलवार की कटिंग कर रहे हैं, मतलब कि ठीक है, ये वो सलवार होंगी जिहड़ी इहदे विच पौंचा भी पैंदा हुंदा एंड कुंदा भी पैंदा हुंदा, बट हुंदी बहुत ज़्यादा हल्की है। इहदी लेंथ हैगी है मेरे कस्टमर की 32 इंच। 31 तैयार है, मैं 32 रखूंगी। ठीक है, ये हुंदा अपना जिवें बरसर का कपड़ा हुंदा ना, जिवें क्या देखो दूरा करके रखा हुंदा, बस ओदा ही बनता। इतों लावे आप 2.5 इंच का निशान कुंदे का, तो इधरले पास्यों आ गया बंद पासा, अपने वाली साइड आ गया खुला पासा। इतों ला लेंगे आप आसन का निशान 10 इंच का। आसन वाले निशान तो तर के आप मैच कर देंगे। ठीक है, हम आप करेंगे कटिंग। अंदर शूट की कटिंग कर लग गया, पर कैंची इंटरलॉक वाली मशीन से धर के भुले। ये सलवार वैसे अजकल हर एक बंदा यही सलवार पाँदा, ठीक है, पर जे कई बार अपने को कपड़ा घट हो फिर भी आप सलवार कट सकते। उधर कस्टमर कह दे भी नहीं असी स्टेट पानी नहीं, भी असी पौचे वाली कुंदे वाली पानी है, फिर आप सलवार की कटिंग कर सकते। आ देखो आ एक आप कट लिया कुंदा, ठीक है, दूसरा आ वाला आप इधर रख के ये उपर पलटा के रख देंगे। ये 1.5 मीटर च सलवार तैयार हो जाती है, 1.5 पौने तो, जे ज़्यादा लेंथ तो पौने दो, नहीं 1.5 च ही बन जाती है। फिर जो बंद वाला पासा होगा वो आप कटिंग कर लेंगे। ये पता मैं सलवार क्यों पहला कट रही हूँ, क्योंकि ये मैं लाइनिंग कढ़नी है कमीज की। मैं ऐसी एक बार सलवार बन जाए फिर आप ऑर्गेंजा का सूट है वो कटिंग करेंगे। हम आप कटेंगे वाला बाला पौचा, जिन्हों आप पौचा भी बोलते हैं, कई बाला भी बोलते हैं। आज तक ना बस शाम तक बौंदल गया शरीर। लेनी 32 इंच की लंबाई आप पौचे की ला ली सी, हुण इहदे विच आप कटांगे 13 इंच की चौड़ाई। हो गया अपना पौचा। जिहड़ी बेल्ट कढ़दे हुंदे ना सलवार की, वह आप हिप के हिसाब नाल कढ़दे हुंदे, ठीक है। इन्हां दी हिप हैगी 23 इंच, मैं बेल्ट कट्टूंगी इन्हां दी 27 इंच। 1 इंच सिलाई च आजूगा, ज 1 आज सिलाई च ज 1.5 आ जाए, ठीक है। वह आपां नूं चाहीदी हुंदी है 2 इंच वधा के, जे कोई पतला 2 इंच, जे कोई हैल्दी है तो 2.5-3 इंच वधा के रख सकदे हां। जे अपनी हिप 23 इंच है तो बेल्ट आप रखेंगे 25.5 या 26। बेल्ट हमेशा ही 2 से 3 के बीच रखी जाती है।